अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जलालपुर बीरवाला से लाहौर सिर्फ एक चीज़ लेने के लिए आए हैं, RMD-1, जो एक लेमिनेशन मशीन है जिससे हम मोबाइल का OCA चेंज करते हैं। और आइए आपको मिलवाते हैं जिनसे हमने मशीन लेनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, इस मशीन के बारे में कुछ गाइड करेंगे आप? जी बेसिकली RMD-1 हमारा मॉडल है पावर का जी, तो इसके अंदर आप जो एच के लिए जो बेसिकली मशीन स्टार्ट होती है ना पावर की, वो RMD-1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप अभी इवन रिजल्ट आप इसका चेक करें, अपने हाथ से काम करके देखें, क्योंकि हमारी तो पॉलिसी ये है कि जो कस्टमर हमारे पास है, क्लाइंट हमारे पास आते हैं जी, पहले खुद OCA करके खुद अपने हाथ से काम करके देखें। जी हम भी आपकी शॉप का विज़िट मैंने पहले नेट से किया था, उसके बाद आपकी दुकान के बारे में मैंने सुना है, तो 400 किलोमीटर सफ़र करके मैं यहाँ पे आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मुझे तसल्ली वाली चीज़ मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आराम से अपनी तसल्ली। 400 किलोमीटर सफ़र करके आपके पास इसीलिए आए हैं कि हमें आप पर यकीन है और हमें ये पता है कि आप हमें अच्छी चीज़ देंगे। जी जी इंशाल्लाह, आप माशाल्लाह का सफ़र करके आए हैं, ठीक है, तो सब मुबारक करे। हाँ सर, आप आए हैं यहाँ पे, आप अच्छी मशीन लेकर के आप ले ही दुआ है, तो आप बस तसल्ली से अपना काम काम करके देखें, इसको अपने हाथ से काम करके देखें। मैं आपको बताऊं कि मैं एक छोटा सा शॉपकीपर हूँ, मैंने 500 रुपये वाली कमेटी डाल के ना 1,80,000 रुपये इकट्ठा किया है, तो उसी से मैंने ये मशीन लेने का सोचा था कि मैं अपना कारोबार जो है ना थोड़ा सा बढ़ा सकूँ। तो आप मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और मुझे कोई अच्छी चीज़ दीजिएगा जिससे मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ। जी डेफिनेटली, हमारे पास वैसे तो सारी चीज़ें ही अच्छी हैं, हाँ, लेकिन आप माशाल्लाह सर्च करके और आपने डायरेक्ट आके RMD-1 का ही कहा है, तो ये ऑलरेडी एक आपकी जो आपका जो होमवर्क है, जो आप काम करने जा रहे हैं उसे आपने होमवर्क किया है, ठीक है। यही चीज़ पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने माशाल्लाह वो किए, आपने मार्केट वगैरह भी देखी होगी डेफिनेटली, तो आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पर आराम से अपनी तसल्ली से काम करके देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें वो मशीन आप चेक करवा दें जी, जी, जी। तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह वो मशीन लेके जाऊंगा आपसे। सही बिल्कुल। मेड इन इंडिया, पता क्या है, इंडिया टच दी ए लाइन आ रही थी, इट गो इनटू हर पास हूं, चलो ठीक है, ओनली की ए पोजीशन आई गुड है। तो क्या कदर आ यार, मैं बस अंदर वार देना, दस देना उन्होंने हाथ ही लगवा दो, हाँ
प्रेस के साथ भी सही है, वैसे छोड़ देना चाहिए। मतलब इसका जो तरीका कार है ना, जो तरीका कार उसके लग गया, ठीक है। बीच में सिर्फ ऐसे करना है, छोड़ और उसको बीच में रख देना। और ये मशीन भी जल्दी ऑन की गई थी, इसकी वजह से ये उतार के फिर करना पड़ेगा। हारो लाहौर से ये हमारे प्यारे भाई इमरान साहब, ये जलालपुर पीर वाला से स्पेशली तशरीफ लेके आए हैं। मैं दिल से मशकूर हूँ, बहुत पुराना तल्लुक भी है इनसे, तो इनसे पूछते हैं कि सफर कैसा रहा, मशीनें कैसी रही और फॉरवर्ड की प्रोडक्ट के बारे में जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है इनका। जी इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं जलालपुर पीर वाला से लाहौर सिर्फ ये वाली मशीन लेने के लिए आया हूं, और मेरा सफ़र 400 किलोमीटर बनता है। मैं एक छोटा सा हमारा जो शहर है, एक तहसील है, और वहां पे मेरी एक दुकान है, और मेरी ख्वाहिश थी कि ये वाली मशीन मैं लेके जाऊँ और अपने शहर में बहुत अच्छा रोज़गार कमा सकूँ। तो इमरान साहब, ये दो पीस लेके जा रहे हैं आप, ये आपके दोस्त के लिए एक पीस और एक आपके लिए? हाँ जी, एक मेरा दोस्त है मोहम्मद सुहेल, हम दोनों एक ही उस्ताद से काम सीखे थे। एक मशीन में उनके लिए लेके जा रहा हूँ और एक मशीन में अपने लिए लेके जा रहा हूँ। तो कितने अरसे से आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं? मुझे आपका अल्लाह भला करे 16 साल हो गए ये काम करते हुए। तो अभी आपने जरूरत महसूस की कि अब उसी काम को ऐड ऑन करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह अपडेट होना चाहिए इंसान को वक्त के साथ साथ, ये चीज हमें न्यू आई है, न्यू अपडेट है, तो इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप इधर आए हैं, आपने इस पे काम करके देखा? सर मुझे ऐसा माहौल यकीन करें पाकिस्तान घूमा हूँ, कहीं पे नहीं मिला। मैं यहाँ पे आया हूँ, भाइयों ने मुझसे ओसीए खुद उतरवाया है, ठीक है, और ये मशीन मेरे हाथों से चलवाई है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि इसको यूज कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे इतनी सी भी कोई चीज नहीं है जो मुझे मिस हुई हो, जो मैंने ना सीखी हो। मुझे यहाँ से मुकम्मल सिखा के आप लोगों ने भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोजी करूंगा, मैं आपको दुआ करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जो दूसरे हमारे भाई हैं रिपेयरिंग का काम करते हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे अगर वो उसी काम में आना चाहते हैं, उन्हें कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए? भाइयों मेरा मशवरा ये है कि हीट गन, काविया और ये छोटी मोटी चीजें छोड़ें, आप भी अपनी दुकान को अपडेट करें। और यहाँ पे सीरी मशीन है, बी एफ टी हमारा जो है, हाँ BFT है, BFT की BFT से रिलेटेड जितनी भी मशीनें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छा, माशाल्लाह भाई ने अपना भी इंट्रोडक्शन करा दिया, हमारा भी करा दिया। तो हमारा डिस्प्ले विजिट करें आप, यहाँ पर निशा स्टार्टअप से लेके हाईएंड तक की जो मशीनरी है वो हमारे पास पड़ी हुई है ओसीए के हवाले से खास तौर पर। मैं दिल से मशकूर हूँ ये हमारे पास आए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक तल्लुक बन गया भाई के साथ, वो भी चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट प्राइस है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से अपनी दुकान पे पहुंच गया हूं। अब मैं इस मशीन को खोलकर चेक करता हूं कि ये मशीन कहीं से टूटी वगैरह तो नहीं है, साफ़ सुथरी है, क्योंकि इतना सफ़र करके आने के बाद पता नहीं अंदर से क्या पोजीशन होगी। हम लोग गए तो बड़े महफूज तरीके से थे, हम अपनी कार करवा के गए थे, दो मशीनें ली थी, एक मशीन सेट करके दोनों मशीनें डिग्गी के अंदर ही रखी थी, गाड़ी भी हमारा एक दोस्त था उसने ड्राइव की थी। बाकी अब चेक करते हैं कि मशीन जो है हमारी ठीक ठाक पहुंच गई है हमारी दुकान तक। दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था जिसमें मैं लाहौर से ये RMB1 परचेज करके आया हूँ। इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, मैं कहता हूँ कि दो बंदों ने बहुत मुश्किल से उठाया, हम लोगों ने 3 मन वज़न कह सकते हैं, कट्टे के बराबर इसका वज़न था, तो हम दोनों बहुत परेशान थे कि इसको उठा के हम कैसे रखें। पहले हमने जगह डिसाइड की है कि इसको उठा के कहाँ रखना है, तो इसको ऊपर उठा के रखने के लिए हमने पहले इसको नीचे रखा है ताकि आसानी से हाथ हमारा पड़ सके और हम लोग इसे ऊपर उठा सकें। कहता हूँ बहुत वज़नी थी,
इसको बॉक्स में से निकाल के हमने पहले स्टूल पे रखा है। तो इसका वजन दोस्तों मैंने करवाया तो नहीं है, लेकिन आइडिया है कि 100 kg से प्लस है। ये मेरा दोस्त कह रहा है कि इसको उठा के ऊपर रखे, हिम्मत करे। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई उत्ते चा एक अनवल यार, बहुत वजनी है। मजाक से मुझे ये डर था कि कहीं मेरा शीशा ना टूट जाए। दोस्तों मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं।